Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome to business school. मुंजरवा का एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं कोई बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर नहीं करने जा रहा, बल्कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ा मसला यही होता है, आइडियाज तो उनके पास भी बड़े होते हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन मसला होता है इन्वेस्टमेंट का, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, बैंक से किस तरह से कर्जा ले सकते हैं, बगैर सूद के किस तरह से कर्जा ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप कितना कर्जा ले सकते हैं अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और वो अमाउंट अच्छी खासी बड़ी अमाउंट्स हैं जो आप आसानी के साथ कर्ज ले सकते हैं। तो ये वीडियो एक जरा हटके है और डिफरेंट है, और इसमें मैं आपको मैं ही नहीं बताऊंगा बल्कि मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका बैंकिंग में खास तौर पे कर्जों के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, उनको मैंने आज साथ लिया है इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी का निशान बनेगा उस पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो को शुरू कर सके। जी, तो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जुहेब भाई, जो कि बहुत ज्यादा माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं लोनिंग के सिलसिले में, बैंकों के जो कर्ज वगैरह होते हैं इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनको मेरे बड़े भाई हैं और लेकिन इस फील्ड में इनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इन्हीं से जानते हैं। मैं आज आपका ज्यादा सर नहीं खाऊंगा। सबसे पहले जुहेब भाई, आप ये मेरे व्यूवर्स को बता दें कि आपका एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में। सबसे पहले तो मैं वेलकम कहूंगा और अस्सलामु अलैकुम मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को। मुंजर भाई तो जानते ही हैं इस बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, छोटे भाई हैं मेरे, लेकिन आपको बताता चलूं कि मेरा माइक्रो फाइनेंस की फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में तकरीबन जो है 7 साल से ऊपर का मेरा इसमें एक्सपीरियंस है। 7 साल से ज़्यादा का अरसा मैं लगा चुका हूँ इस फील्ड में, और जितने भी पाकिस्तान में बैंक हैं, इदारे हैं, काम कर रहे हैं लोनिंग पे, उनके तमाम के प्रोसीजर पॉलिसी सब को जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्जा हम ले कितना सकते हैं, कम अज कम कितना कर्जा कोई भी इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट्स में से सबसे कम अज कम कितना कर्जा मिल सकता है। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह के हिसाब से भी है, सूबे के हिसाब से भी है। अब सिंध और बलूचिस्तान वाली साइड पे अगर आए तो वहां पे कम अज कम 10,000 से भी स्टार्ट ले रही है एनजीओ इदारे। पंजाब में आए तो 40-50 हजार से स्टार्ट ले रहे हैं, 60,000 से भी स्टार्ट ले रहे हैं। तो यही चीज अगर हम इस्लामाबाद वाली साइड पे लेके निकलते हैं तो वहां पे लाख पे भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है आपकी मार्केट के हिसाब से भी होता है, फैसलाबाद में ज्यादा मार्केट है तो उधर इदारे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, उनकी लोन प्रोडक्ट भी ज्यादा है। मैक्सिमम कितना लेवल है? मैक्सिमम आप 10-15-20 लाख तक बैंक दे रहे हैं आपको पैसे। ये तो माइक्रो फाइनेंस बैंक है। माइक्रो फाइनेंस, बाकी जो बैंक हैं कमर्शियल बैंक्स वो तो फिर उनकी तो करोड़ों अरबों वाली बातें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे आज माइक्रो फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख के ऊपर नहीं जाता। माइक्रो फाइनेंस का बेसिक मकसद क्या है, क्या चीज है माइक्रो फाइनेंस? असल में डिफरेंस यही है, कमर्शियल जो बैंक है उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, वहां से कर्जा लेना आम बंदे की बस का रोग नहीं होता, वो बड़ा मुश्किल है वहां से कर्जा लेना। माइक्रो आप नाम से अंदाजा लगा रहे हैं, माइक्रो मतलब एक छोटा लेवल पे आप अगर को काम कर रहा है एक बंदा जो इतना ज्यादा लीड क्लास का नहीं है तो वो बैंकों को अप्रोच नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये इदारे बनाए हैं पाकिस्तान में, ये SSCP के थ्रू, ये अंडर सेक्शन 42 ये रजिस्टर्ड होते हैं इदारे। तो ये छोटे लेवल पे जो छोटे लोग कह रहा हूँ, छोटे लेवल पे जो बिजनेस करते हैं उनके लिए 1 लाख से लेके 10-12-15-20 लाख तक ये जाते हैं, कर्जा फराहम करते हैं। अच्छा, इतने ज्यादा बैंक्स हैं कि हम इसको एक वीडियो में कवर तो नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जो कि तकरीबन हर जगह पे इजीली अवेल है, उनमें से कुछ क्या आप मुझे नाम बताना चाहेंगे? माइक्रो फाइनेंस में पाकिस्तान में जो इजीली अवेल है बैंक, उनमें फिनका बैंक है, पाकिस्तान में तकरीबन 108 शहरों में काम कर रहा है। ठीक हो गया। द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस है, खुशहाली है, अलबरका है, ब्रैक है, अखुवत है। यह अखुवत बैंक में नहीं आता। अच्छा, अखुवत क्या चीज है? अखुवत एक एनजीओ लगा लें, इंस्टीट्यूट लगा लें। माइक्रो फाइनेंस में दो फील्ड है, एक है इंस्टीट्यूट और एक है बैंक।
ठीक हो गया। जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने कर्जा देना ही थोड़ा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो 1 लाख से ऊपर नहीं जाते। जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं वो फिर आगे निकलते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10। अच्छा, ये तो तकरीबन कॉमन सी चीज है, लेकिन कुछ बैंकों में डिफरेंट चीजें होती हैं, उनकी डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, हर एक अपना एक स्कीम के तहत लोन दे रहा है, कोई थोड़ा दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, वो हम सारी बातें एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे वो तमाम चीजें, एक एक बैंक का अलग अलग प्रोसेस, ठीक है, उनके अलग अलग स्कीम्स, तो आपको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? जी, उसके लिए आप अभी मैं इधर तो बताना शुरू कर दूं तो नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता, लेकिन मैंने एक इसी इंफॉर्मेशन के लिए ना मैंने मसरूफियत से टाइम निकाला है, एक छोटा सा जो है ना मैंने कोशिश की है, तो पाक फाइनेंस के नाम से चैनल पे यूट्यूब पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है मुख्तलिफ बैंक्स की, वो पाक फाइनेंस के नाम, ठीक है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके चैनल विजिट कर सकते हैं। हां, वहां पे अभी मैं ना दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप हर बैंक की इंफॉर्मेशन, जिस तरह के वो कर्जे दे रहे हैं, हर बैंक के मुख्तलिफ होते हैं, तो वो एक एक चीज, उनके सर्विस चार्जेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वहां मैंने कंप्लीट तौर पे बताया हुआ है। अच्छा, अब इतने ज्यादा बैंक्स हैं, अगर सबकी हम अलग अलग प्रोसीजर की बात करें तो वो भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो 2-3 दिन लग जाएंगे भाई। तो अच्छा, आप ओवरऑल जो चीजें कॉमन सी होती हैं हर बैंक की, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें मेरे व्यूवर्स को, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? डॉक्यूमेंट असल में हमारे माइंड में ये होता है, हमने बहुत सालों में देखे होंगे अपने सिटीज में गुजरते हुए कि ये जी ये कौन सा बैंक है, ये खुशहाली कौन सा बैंक है, या ये फिनका कौन सा बैंक है, या मुख्तलिफ कोई भी बैंक है, ये बैंक कौन से हैं, मतलब कमर्शियल में हमने इनका नाम नहीं सुना होता, या इन इदारे जो होते हैं वो तो नॉर्मल कॉलोनीज के अंदर उन्होंने कोठियां वगैरह लेके वहां बैठे होते हैं, ठीक है, तो हमें होता है पता नहीं क्या प्रोसीजर होगा, कैसे होगा, ये बहुत आसान इनका प्रोसीजर होता है। अंदर की बात बताऊं तो इनका टारगेट होता है, ठीक है, कि इन्होंने लोन देना होता है, तो जब टारगेट वाली बात आती है तो ये बड़ी आसानी के साथ बहुत ही कम शराइत पे आपको कर्जा देते हैं। शराइत तो फिर लाजमी बात है, पैसा दे रहे हैं थोड़ी बहुत तो लेंगे, आपके आईडी कार्ड वगैरह की कॉपीज ले लेंगे, आपकी रेजिडेंस प्रूफ में बिजली का बिल देख लेंगे कि आपके नाम पे है, वालिद के नाम पे या किसके नाम पे है, और एक आधा चेक गारंटी के तौर पे ले लें, उसके अलावा कोई इतने ज्यादा खास डॉक्यूमेंटेशन इनकी नहीं होती। अच्छा, ये कुछ बैंक्स होते हैं जो सूदी कर्ज दे रहे हैं और कुछ बगैर सूद के दे रहे हैं। अच्छा, अब आप इन्फॉर्मेशन सिर्फ बगैर सूद वालों की दे रहे हैं या सूद वालों की भी, ये चीज भी? अच्छा, ये असल में सूद पे भी कुछ दे रहे हैं, इंटरेस्ट कुछ ने उनका नाम सर्विसेज चार्जेस रखा हुआ है, सूद नहीं रखा हुआ कि हम ये चार्जेस ले रहे हैं सर्विसेज जो हम आपको दे रहे हैं, कुछ बगैर सूद के दे रहे हैं। बहुत सारे दोस्त, मैंने एक दो वीडियो लगाई थी जो सर्विसेज चार्जेस वाले, तो लोगों ने कहा वो भाई आप सूद के बारे में लोगों को कर्जे के फ्राहम कर रहे हैं ये वो, तो मेरा मकसद जो है वो मैंने साथ लिखा हुआ है कि भाई हर बंदे की अपनी सोच है, समझ है, ठीक है, तो जिसका दिल करे वहां से ले, मैं किसी को फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ, मतलब कि हमारा मकसद जो है वो आसानियां बांटना है, आसानियां बांटना है, मतलब आपको रास्ता बताना है, आगे आप उस रास्ते पे चले ना चले वो आप पे है, वो आप पे, ठीक है। जब आप वो भाई की वीडियो प्ले करेंगे तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है बकायदा लिखा हुआ, और अच्छा खासा इतना टाइम उसको दिया गया है कि बंदा अच्छी तरह से पढ़ सके, इतनी देर वो नोटिफिकेशन रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें सारी बात क्लियर कर दी गई है कि भाई कर्ज लेने से पहले देख लें वो सूदी है या नहीं है, ये आपने खुद तसल्ली करनी है, क्योंकि हर बैंक का अपना होता है, कोई बैंक भी नहीं कहता कि जनाब आप सूद दे रहे हैं, वो कहते हैं ये सूद नहीं है, सर्विस चार्जेस कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई भी नहीं कहता कि मैं सूद का कारोबार कर रहा हूँ। तो ये आप अपने दिमाग से, आपकी आंखें खुली हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, आप बैंक जाके विजिट भी किया करें, वो आपको खा नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होता, वो भी हमारे जैसे इंसान ही बैठे हुए होते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन तो होगी एक बात, वो तो आपने अभी भी बता दिया कि ये चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि बैंक का नंबर क्या है, किस जगह पे है, किस सिटी में है, तो ये भी क्यों आप इन्फॉर्मेशन देते हैं? जी बिल्कुल, मेरी हर वीडियो के एंड पे जिस बैंक का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, उस बैंक की जिस जिस सिटी में वो काम कर रहे हैं, वहां सिटी में मैं उसका मुकम्मल एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर तक मैंने हर सिटी का पूरे पाकिस्तान में अभी लास्ट मैंने एक बैंक के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट मैंने, तो वो पाकिस्तान के 108 सिटीज में काम कर रहे हैं, मैंने 108 सिटीज में जहां जहां काम कर रहा है वहां का एड्रेस और नंबर तक मैंने दिए हैं कि आप वहां पे जाकर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए ठीक हो गया, आई थिंक जितने कॉमन सी चीजें थी वो तो लोगों को हमने बता दी हैं, तो अब जो बंदा भी मजीद डिटेल जानना चाहेगा वो जाके आपका चैनल
हाँ वहाँ जाके वो देख सकते हैं जी बिल्कुल। ये आप डेली वीडियोस वहाँ पे लगाते हैं जी? कोशिश तो कर रहा हूँ डेली ही लगाऊं, तकरीबन डेली वीडियोस यहाँ पे आती हैं। तो आप एक दो बार जाके चैनल विजिट कर लीजिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। वहाँ पे अलग अलग वीडियोस हैं कारोबार के लिए अलग, मवेशियों के लिए अलग, स्टडी के लिए अलग। तो वहाँ पे जाके आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है और किससे आपको फायदा उठाना है, कौन सी वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।